रहेगा या नहीं, मुझे भगाने के बाद आप सबसे मेरा नाम मिटा दोगे। तो मुझे इंडिया का नाम भी मिटा देना है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में ईश्वर तुम्हारे वही पुण्य देगा जो ईश्वर का नाम लेने में होता है, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू का पूजा का अधिकार सदैव के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अगर सुरक्षा चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज दो, फोन में ही हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिस दिन तुम लिखने लग जाओगे। तो आप सभी से एक संकल्प चाहूंगा कि लड़ तो नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, दिन भर तुम्हारे बच्चे जो फोन में लगे रहते हैं ना, फोन में ही हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिस दिन तुम लिखने लग जाओगे, ईश्वर तुम्हारे वही पुण्य देगा जो ईश्वर का नाम लेने में होता है, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू का पूजा का अधिकार सदैव के लिए सुरक्षित हो जाएगा। अगर सुरक्षा चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज दो। मुझसे कहता है कोई, हिंदू राष्ट्र क्यों? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं एक जंगली आक्रांता आदमी आपके पिता का मकान छीन लेता हूँ, बलपूर्वक छीन लेता हूँ, मार के भगा देता हूँ, आपके पिता का नाम अपने मकान पे लिख देता हूँ। कल तुम तगड़े हो जाओ और मुझे मार के भगा दोगे तो क्या मेरे आपके उस मकान पे मेरा नाम रहेगा या नहीं? रहेगा या नहीं? मुझे भगाने के बाद आप सबसे मेरा नाम मिटा दोगे। तो मुझे इंडिया का नाम भी मिटा देना है, इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और ये भाग इन योद्धाओं के कंधों पे है। जय श्री।